इसे चलाने में बहुत दिक्कत पड़ता है। यहाँ पहुँच गया अपने ससुराल। तो बाहर वाली निकलवा दी खटिवा ना, ये भाई निकल हाथों देखी तो भाई, ये देख सकते हो ये हाथ पूरा से मतलब हड्डी टूट गया, हड्डी टूट गया है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज सुबह, तो दोस्तों फाइनली घर पर आ गया हूँ, और अपने ही अभी घर पर थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, इसी करके वीडियो शूट करना बहुत मतलब दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं आया हूँ और जैसा कि मैं बोलता हूँ कि मेरा अभी घर नहीं बना है, और जो भी पैसा लगाया हूँ मैं अपने दुकान में डाल दिया हूँ। तो फिलहाल अभी दो चार दिन पाँच दिन जो कोई कहीं बाहर से आता है तो थोड़ा अपने रिश्तेदारी जाता है, और फिलहाल मेरे ससुर बहुत ज़्यादा बीमार हैं जिनकी वजह से हम जल्दी आए थे, और उनका पैर वैर मतलब बिल्कुल मतलब ख़त्म है, वो चल नहीं सकते, तो उनका हाथ वाथ एकदम मतलब सड़ गया है। तो फिलहाल उन्हीं को देखने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी जाऊँगा तो एक दिन रुकूँगा और अपनी फैमिली के साथ ही जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे और हमारी बीबी है। तो इधर अभी देख सकते हो इधर जो ज़मीन खाली है, तो इधर ही सोच रहा हूँ अपना कुछ व्यवस्था करने के लिए, और वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि अभी थोड़ा टेंशन चल रहा है घर में, थोड़ा उल्टा सीधा बातें हो रही हैं, क्योंकि हर कोई जब बाहर से आता है या बाहर जाता है तो सब घर वाले सोचते हैं कि वो बहुत रुपया कमा के आएगा और बहुत रुपया कमाता होगा वहाँ पर, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि बाहर कंट्री में किस तरह हम एक एक दिन समय बिताते हैं और किस तरह हम पैसा जोड़ते हैं। तो ये हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि जो जो बाहर कंट्री में रहता है उससे बेहतर कोई नहीं जानता। तो फिलहाल अभी चलता हूँ अपने मतलब ससुराल, और वहाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो चलता हूँ थोड़ा देखता हूँ उनको तबीयत वह कैसी रहती है, और उन्हीं के चलते मैं कभी से आने वाला था, क्योंकि उनके घर पर थोड़ा मतलब उस तरह आदमी नहीं है दवाई कराने वाले, और मेरी उस समय घरवाली की भी बहुत तबीयत ख़राब था, तो मजबूरी में मुझे आना पड़ा। फिलहाल चलो आ गया हूँ, तो अभी शुरुआत कर रहा हूँ एक नए दिन का और नए मतलब काम की। सोच रहा हूँ कि मैं कुछ कपड़े उपड़े का स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मैं कपड़ा का दुकान डाला था पहले, तो उसको अभी बंद करके नहीं गया था, वहाँ पर मतलब हमारी घरवाली और मेरे बच्चे चला रहे थे। तो फिलहाल अभी चलते हैं थोड़ा ससुराल घूम के आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं अपना दुकान कि मैं क्या किया इतने सालों में और क्या क्या कर रहा हूँ, अभी क्या करने का विचार है, सऊदी जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। तो हमारे वीडियो में बने रहना दोस्तों, जो मेरे चैनल में फर्स्ट बार होगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी बजा देना। चलो मैं तो चलते हैं, फटाफट मिलते हैं भाई, तैयार है जाने के लिए, तो अभी फिलहाल गाड़ी वाली स्टार्ट करते हैं। चलते हैं तो अभी रास्ते में, क्योंकि हमारे गांव का रास्ता काफ़ी खराब है, बहुत कैसे हमारे खराब, ये हमारे यहाँ का रोड है जो अभी गांव के अंदर एंट्री कर रहा हूँ, पूरा ये रोड खराब है, कितना गड्ढे हैं बड़े, और अभी जो पानी का योजना चल रहा है उससे पूरा रोड गिर गया है और पूरा रोड खराब गाँव का, ऐसे गिरे पड़े होने पर हमारे यहाँ और गांव एकदम पिछड़ा हुआ, हमारा स्मार्ट सिटी नहीं है भाई। ये हमारे गांव का कुछ ऐसा रास्ता है, बहुत रोड ख़राब है, और गांव जहाँ का रोड ऐसा होता है कि आपको समझ में नहीं आता कि कैसे कैसे मतलब गड्ढे होते हैं, अगर बारिश के मौसम में इधर चल नहीं सकते, लेकिन अभी बारिश का मौसम नहीं है, और फिलहाल जा रहा हूँ ससुराल के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है तुम्हारे ससुर का, तो उन्हीं को देखना ज़रूरी है, क्योंकि अभी एक दिन हुआ है, तो मैं कहा जिसके लिए आया हूँ सकता हूँ फटाफट वहाँ मिल के आते हैं। और ये भाई भैंस है, कहती भैंस के आगे बिन बजाओ, भैंस खड़ी पकड़ा है, वही हाल है। चलाने में बहुत दिक्कत पड़ता है, क्योंकि अगर कहीं भी अगर बाहर कंट्री में लेफ्ट साइड में अगर रहता है स्टीयरिंग, तो यहाँ गाड़ी चलाने में कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, लेकिन फाइनली अभी मैं दो दिन हो गया गाड़ी चलाने लगा सही से, अभी हमारे यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, इतना शहर है हमारे गाँव के पास बिल्कुल पास ही है, तो बहुत हरा भरा दिखता है आपको इधर का नज़ारा, तो काफ़ी शानदार मतलब इधर व्यू है, और हम लोग इस शहर में आते थे बहुत ज़्यादा, अभी तो फिलहाल पानी बहुत कम है, लेकिन पहले बहुत ही रस्ते पानी होता था, और हम देख सकते पूरी फैमिली जा रहे हैं, और अभी गाड़ी देंगे फिर इसको चलाने के लिए, तो चलते हैं फटाफट भाई, क्योंकि एक हाथ से गाड़ी चलाना मुश्किल है, तो फिलहाल चलते हैं। तो भाई ये राशन रखने वाला है हमारे यहाँ गोदाम बना हुआ नया, भाई फैला
इधर। तो भाई फिलहाल अभी मैं गाड़ी चलाने लगा क्योंकि आगे पुलिस थी और हम कोई भी हेलमेट नहीं लगा के रखे हैं क्योंकि अभी हेलमेट मेरे पास नहीं है। तो हेलमेट वापस आएंगे एक दो दिन के बाद फिर लेंगे क्योंकि मैं अभी दो दिन हुआ मतलब आए हुए। तो अभी जो पहला हेलमेट था वो हेलमेट मतलब कहीं खो गया है, वो टूट गया है। तो हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर भाई, नहीं तो पुलिस देखेगी तो फाइन भर देगी। और दो तीन पुलिस खड़ी थी लेकिन मैं निकल आया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है अपने लिए और दूसरों के लिए भी, फैमिली के लिए। तो फिलहाल चलते हैं फटाफट भाई लोग। अभी मैं यहाँ पहुँच गया हूँ अपने ससुराल और यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है क्योंकि उनका हाथ देखा नहीं जाता और बहुत ज़्यादा हाथ खोला हुआ है। तो चलिए अभी आपको दिखाता हूँ मैं कैसे उनका हाथ मतलब ख़राब है। तो पट्टी बांध बांध काम चलाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं दवा कराने के लिए, तो फ़र्क भी नहीं पड़ता। मैं पैसे भी दिया और दवाई भी कराया था बीच में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला है। और ऐसी जगह वो लेते रहते हैं हमेशा, देखते देखते उनका दिमाग ये पूछो ना। अभी यह है भाई घर है, ये घर ही है, इधर देख सकते हो तालाब है बीच में बहुत बड़ा और इसमें मछली बहुत है। और ये देख सकते हो यहाँ पर ऐसा ही घर, क्योंकि भाई अमीर नहीं है, बहुत गरीब घर से मतलब है, मतलब स्थित सही है। खाने पीने के लिए किसी तरह काट बीन के दूसरे खेत में काम कर लेते हैं और हो जाता खाने पीने के लिए, तो ऐसे टाइम पास होता है एक एक दिन भाई। गरीबों की ज़िंदगी ऐसी होती है। और इनको दो लड़के हैं, वो अपना अपना काम देते हैं क्योंकि सब अलग हैं और इनको खुद कमाना खाना पड़ता है। बस थोड़ा बहुत ऐसे मजदूरी कर लेते हैं और उसी से पेट पालते हैं, तो थोड़ा हम लोगों की हेल्प हो जाता है। लेकिन क्या करें भाई, हम लोग भी बहुत मतलब मिडिल क्लास से हैं बहुत ही ज़्यादा। जब मैं भी मतलब इस समय था कि जब मैं भी अकेला था, मेरे घर वाले जब मुझे अलग किए थे तो एक रुपया नहीं था मेरे जेब में, लेकिन ऊपर वाले की दुआ से मैंने कंटिन्यू मेहनत जारी रखा हूँ और मेहनत करता रहूँगा मरते दम तक, जब तक जीवन रहेगा भाई। क्योंकि मैं भी सपना है, मेरे भी सपने हैं कुछ करने के लिए, तो रात दिन मेहनत करता हूँ। और भाई इसी का नतीजा है जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ अभी तक। लेकिन अभी मेरे पास घर रहने के लिए नहीं है और घर का व्यवस्था भी यहाँ से जाऊँगा तो करूँगा, क्योंकि वहाँ पर मेरे भाई लोग रहते हैं और जहाँ पर घर रोड पर है तो वहाँ भी भाई रहते हैं। तीन घर बने हैं, तीनों अलग अलग हैं, तो मेरे पास घर नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ अपने लिए कुछ जुगाड़ करने के लिए, तभी दिखाता हूँ वो मरहम किस तरह लेटे हुए हैं। अभी इधर गाय भी है तो बाहर वाली निकलवा दी खटिवा ना, ये भाई निकल जाए। हाँ हटवा देखी तो भाई ये देख सकते हो ये हाथ पूरा से मतलब हड्डी टूट गया, हड्डी टूट गया है और इधर से मतलब पूरा मवा रहता है, ये बांध के रखे हैं और पैर से बिल्कुल ख़त्म है, पैर वैर से चल नहीं सकते। और इसी में भाई लाइफ किसी तरह गुजारते हैं। अभी इधर गाय है और इधर ये रहते हैं और ना ही वो समझ। तो भाई किसी तरह इससे गुजारते हैं क्योंकि यहाँ मरहम इसलिए इनको यहाँ लेटाया गया है कि ये उठना बैठना जानते ना चल पाते हैं। और इधर बैठाते हैं तो इधर लाइटिंग वेटिंग करने के लिए दिक्कत पड़ता है, उधर ही खुचुक के अपना लाइटिंग कर लेते हैं। और इधर मतलब घर वाले थोड़ा पानी वानी डाल के साफ़ कर देते हैं तो इधर रहने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अभी फिलहाल ठंड के मौसम में इधर रहते थे लेकिन अभी गर्मी आ गया तो इधर ही रहेंगे। और इधर मैं थोड़ा लाइट वेट आया हूँ तो लगवा दूँगा, थोड़ा सही हो जाएगा, दिखेगा अच्छा सा, साफ सफाई करवा दूँगा, थोड़ा छवावा दूँगा छप्पर ऊपर। तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तो देखता हूँ कितना मेहनत मुझसे होता है, कितना क्या होता है। अभी चलो देखते हैं भाई, क्योंकि अभी आया हूँ दो दिन नहीं हुआ है, मैं इधर आ गया हूँ थोड़ा सहायता करने के लिए। तो चलो भाई ऐसे हमारे वीडियो में बने रहना और आपको एक। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही दोस्तों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो मेरे चैनल पर फर्स्ट बार होगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर देना।